तो अभी तक हमने एडमिन से लॉगिन किया और एडमिन से लॉगिन करने के बाद सारी फंक्शनलिटी को हमने देखा। अब हमें क्या करना है कि यूज़र से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद उसके सारे फंक्शनलिटी को देखना है। तो पहले हम यूज़र से लॉगिन होंगे, उसके लिए हमने लॉगिन आईडी इंटर किया और देन पासवर्ड इंटर किया। जैसे ही हमने पासवर्ड इंटर किया और लॉगिन बटन पर क्लिक किया, आप देखोगे एक पेज ओपन होकर आया जिसका नाम है एम्प्लॉय अटेंडेंस पेज। अब आप देखोगे कि यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे प्रोफाइल, हॉलीडे, लीव मैनेज, एम्प्लॉय अटेंडेंस, मिस और एब्सेंट स्टेटस, ऑल पंच, चेंज पास, पासवर्ड, लॉग आउट। तो हम क्या करेंगे कि वन बाय वन सारे फंक्शनलिटी को समझेंगे। तो पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शनलिटी है प्रोफाइल। जैसे ही हमने प्रोफाइल पर क्लिक किया, आप देख रहे हो कि इस एम्प्लॉय का सारी डिटेल्स हमारे सामने दिख रहा है। इसे क्या है, इसका पे कोड क्या है, नेम क्या है, किस डिपार्टमेंट में, डेजिग्नेशन, ये सारी डिटेल्स हमें शो कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हॉलीडे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने हॉलीडे पे क्लिक किया और जैसे 2015 में इसे कोई भी हॉलीडे असाइन नहीं है, 14 सेट करते हैं, 14 भी हॉलीडे कोई सेट नहीं है। इट मीन्स कि टाइपफिस सॉफ्टवेयर में अपना एंट्री नहीं है हॉलीडे का, इसलिए यहाँ भी शो नहीं कर रहा है। बट कोई बात नहीं, अब हम क्या करेंगे, लीव मैनेज पे आएंगे। ठीक है, लीव मैनेज में आप देखोगे कि तीन तरह के ऑप्शन आ रहे हैं ऊपर, एक एप्लीकेशन, दूसरा स्टेटस, तीसरा बैलेंस। एप्लीकेशन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक पेज ओपन होकर आया जिसमें दे रहा है लीव अप्लाई करने के लिए। तो जैसे ही हम फ्रॉम डेट पर क्लिक करते हैं तो एक नया कैलेंडर ओपन होकर आता है, जैसे कि अब हम मुझे कल के 25 जुलाई को लीव अप्लाई करना है, देन हम 25 जुलाई को सेट करेंगे। वैसे ही टू डेट में 25 जुलाई को सेट करेंगे। ठीक है, अब हमें ये करना है कि किस लीव टाइप से हमें लीव लेना है, मीन्स किस लीव कोड से हमें लीव अप्लाई करना है। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, लीव सेट करेंगे। ठीक है, रीजन इंटर करेंगे। रीजन इंटर करने के बाद यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर इंटर करेंगे, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है। आप देखोगे यहाँ पर लीव ड्यूरेशन का ऑप्शन भी आ रहा है। लीव ड्यूरेशन में दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक फुल डे, एक हाफ डे। मीन्स कि आप जो है 25 जुलाई को जो आपने लीव अप्लाई किया है वो किस टाइप की लीव लेना चाहते हो आप, मीन्स हाफ डे लेना चाहते हो या फुल डे लेना चाहते हो। अगर हमें हाफ डे लेना है देन हाफ डे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने हाफ डे पे क्लिक किया, आप देखो कि दो ऑप्शन और आ गए, हाफ फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। मीन्स कि आप जो है 25 जुलाई को फर्स्ट हाफ डे लेना चाहते हो या सेकंड हाफ डे। सपोज हमें सेकंड हाफ डे लेना है, देन हम क्या करेंगे, सेकंड हाफ डे सेट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सबमिट पर क्लिक किया, आप देखोगे कि मैसेज आया, डू यू वांट टू सबमिट द लीव। ओके करेंगे, देन ये क्या होगा, लीव सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद ये किसके पास जाएगा, जो भी इस यूजर का रिपोर्टिंग पर्सन होगा उसे लीव सबमिट हो जाएगा। अगर इसका रिपोर्टिंग पर्सन जो है लीव अप्रूव करता है, इट मीन्स हमारा लीव अप्रूव्ड है। अगर इसका रिपोर्टिंग पर्सन लीव रिजेक्ट करता है, देन हमारा लीव रिजेक्ट है। एप्लीकेशन देखा था, अब हमें क्या देखना है, स्टेटस। जैसे ही हम स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो हमें फोर ऑप्शन शो करते हैं, कौन कौन से, पेंडिंग, अप्रूव, रिजेक्ट, ऑल। ऑल में ऑल वो है ऑप्शन है जिसमें पेंडिंग, अप्रूव और रिजेक्ट तीनों ऑप्शन इसमें मिक्स होकर शो करेंगे। इसमें आप देखो कि हम यहाँ पर डेट रेंज भी सेट कर सकते हैं। सपोज हमें ये चेक करना है कि 1 जुलाई से 24 जुलाई तक, 2015
ठीक है, 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच हमारे कितने लीव पेंडिंग रहेगा। देन हम क्या करेंगे, गो बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने गो बटन पर क्लिक किया, ना ऑप्शन क्या लिख कर आया हमें से, नो रिकॉर्ड फाउंड, मीन्स इस 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच हमारा कोई भी लीव पेंडिंग नहीं था। देन उसी तरह अप्रूव भी है, अप्रूव भी उसी तरह है कि हम चेक कर सकते हैं एक डेट रेंज में कि हमारा जो है फ्रॉम से टू डेट के बीच कितने लीव अप्रूव हुए। उसी तरह रिजेक्ट है, और अगर आप आल पे क्लिक करोगे तो आल में सारे ऑप्शन आ जाएंगे, मीन्स पेंडिंग अप्रूव रिजेक्ट तीनों तरह के लीव मिक्स होकर शो करेंगे। अब एक लास्ट ऑप्शन आता है बैलेंस। जैसे ही आप बैलेंस पे क्लिक करोगे तो इसमें हमारा जितना भी बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस क्या दिया गया था, कितना हमने लीव कंज्यूम किया, कितना बैलेंस है वो शो करेगा। अब इसमें तो इस एम्प्लॉय का किसी का कोई भी लीव बैलेंस नहीं है, ना तो इन्हें कोई ओपनिंग बैलेंस मिला था, इसलिए यहाँ पर 0 आ रहे हैं। हमारा अगला ऑप्शन क्या है, एम्प्लॉय अटेंडेंस। जैसे ही हम एम्प्लॉय अटेंडेंस पर क्लिक करते हैं, आप देखोगे एक पेज ओपन होकर आया और इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, ग्रिड व्यू और कैलेंडर व्यू। ग्रिड व्यू में आप देखोगे कि ये ग्रिड व्यू में शो करेगा अटेंडेंस, कैलेंडर व्यू पे क्लिक करोगे देन ये कैलेंडर व्यू में शो करेगा अटेंडेंस। एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम या कभी भी लॉगिन करोगे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से, देन आपको ये एम्प्लॉय अटेंडेंस ही शो करेगा। मीन्स जब भी आप लॉगिन करोगे कभी भी, देन आपका जो पेज शो करेगा वो कौन शो करेगा, एम्प्लॉय अटेंडेंस शो करेगा। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि हॉलीडे, ठीक है, और प्रेजेंट स्टेटस शो कर रहा है। ठीक है, नीचे आप देखोगे कि टोटल प्रेजेंट मई में कितने टोटल प्रेजेंट थे, कितने लीव लिया गया था, कितना हॉलीडे है, कितना वीकली ऑफ है, इसमें सारे टोटल शो कर रहे हैं, एबसेंट कितना है, लेट कितना है, टोटल एज क्या है। तो ये हमारा हो गया एम्प्लॉय अटेंडेंस। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है मिस और एबसेंट स्टेटस। जैसे ही हमने मिस और एबसेंट स्टेटस पर क्लिक किया, आप देखोगे कि एक नया पेज ओपन होकर आ गया राइट साइड में। ठीक है, अब इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, सॉरी इसमें तीन ऑप्शन आ रहे हैं, मिस, एबसेंट और ऑल। ऑल में दोनों मिस पंच और एबसेंट दोनों मिक्स होकर शो करेंगे। अब सपोज हमें ये देखना है मिस पंच जो है हमारा फर्स्ट मई से 31 मई के बीच कितने हमारे पंच मिस रह गए। तो ये हमें क्या करेगा, जितने भी हमारे मिस पंच थे मई के मंथ में वो हमें शो कर देगा। उसी तरह एबसेंट भी है, अगर हमें ये चेक करना है कि हमारा 1 मई से 31 मई के बीच कितने एबसेंट है, वो सब कर देंगे। अगर हमें दोनों चेक करना है मिस और एबसेंट इस डेट रेंज में, देन आल पर क्लिक करेंगे तो हमें ये शो कर जाएगा मिस और एबसेंट। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल पंच। ऑल पंच जैसे कि आप देख रहे हो कि सपोज हमने डेट सेट कर लिया जून का, गो पे क्लिक किया, इसमें हमारे क्या शो कर रहे हैं, हमने एक दिन में जितने पंच मशीन पर किए वो शो कर रहे हैं। हमारा जो स्टार्लिंक का जो डिवाइस है वो मल्टीपल पंच भी एक्सेप्ट करता है। देन अगर कोई एम्प्लॉय अगर उस दिन मल्टीपल पंच करता है, मीन्स एक या एक से ज़्यादा पंच करता है, वो भी वो सारे पंच इसमें शो करेंगे। ये जो सेटिंग होता है मल्टीपल पंच का सेटिंग, वो हमारे सॉफ्टवेयर से होता है। अगर आपने सॉफ्टवेयर में टू पंच का परमिशन दिया है, देन हमारे एलएमएस में भी सिर्फ दो पंच ही शो करेगा, दो या फिर एक शो करेगा। एक पंच उस केस में शो करेगा जब एम्प्लॉय अपना आउट पंच करना भूल गया। अगर आपने सॉफ्टवेयर में मल्टीपल पंच का ऑप्शन का सेलेक्ट किया है, देन यहाँ पर
आपने एक दिन में जितने भी पंच किए वो सारे पंच यहाँ पर शो करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है चेंज पासवर्ड। जैसे ही हमने चेंज पासवर्ड पर क्लिक किया, आप देखो एक पेज ओपन होकर आया जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इस यूजर आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आफ्टर एंटरिंग न्यू पासवर्ड देन क्लिक ऑन चेंज, इससे क्या होगा कि आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन आता है लॉग आउट। जैसे ही हमने लॉग आउट पर क्लिक किया, आप देखो कि हम इस पेज से लॉग आउट हो गए।